नमस्ते। सूर्य नमस्कार के फायदे के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर चंद्र नमस्कार यानी कि मून सैल्यूटेशन के बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। चंद्रमा जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश को ही दर्शाते हैं। वैसे ही चंद्र नमस्कार का अभ्यास सूर्य नमस्कार के अभ्यास को ही दर्शाता है। अर्धचंद्रासन को छोड़कर बाकी सारे आसनों का क्रम सूर्य नमस्कार जैसा ही है। चलिए देखते हैं कि चंद्र नमस्कार एंड सूर्य नमस्कार में क्या अंतर है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास गर्मी एंड प्रकाश को दर्शाता है, जबकि चंद्र नमस्कार का अभ्यास ठंडक एंड शीतलता को दर्शाता है। सूर्य नमस्कार से हम फुर्तीदायक होते हैं, जबकि चंद्र नमस्कार हमें आराम देने वाला है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सुबह में होता है, जबकि चंद्र नमस्कार का अभ्यास शाम को चंद्रमा की उपस्थिति में होता है। सूर्य नमस्कार में आसनों के मूवमेंट जल्दी जल्दी होते हैं, जबकि चंद्र नमस्कार को हमें धीरे धीरे करना होता है। सूर्य नमस्कार से स्टेमिना एंड शक्ति मिलती है, जबकि चंद्र नमस्कार हमें शांत बनाता है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण के 12 आसन होते हैं, जो 12 राशि को दर्शाते हैं, जबकि चंद्र नमस्कार में 14 चरण के 14 आसन होते हैं, जो 14 चंद्रमा के चरण को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं चंद्र नमस्कार कैसे करना है। ये सारे आसन सूर्य नमस्कार के ही आसन है और सूर्य नमस्कार का वीडियो मैंने पहले बनाया है, तो आप डिटेल में देखने के लिए वो वीडियो पहले देख सकते हैं। सबसे पहले योगा मैट में आगे की तरफ समस्थिति में खड़े हो जाइए। पहला आसन है प्रणामासना। इसके लिए इनहेल करें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और प्रणाम की मुद्रा में छाती के पास रख दें। एक्सहेल करें। दूसरा आसन है हस्तोत्तानासन। अब इनहेल करें एंड दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा उठाते हुए जितना हो सके उतना पीछे की तरफ ले जाएं। जिनको कमर दर्द है वो बहुत ज्यादा पीछे ना झुके। तीसरा आसन पादहस्तासन। अब एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है और दोनों हथेलियों को जमीन पर टच करना है। जिनसे हथेलियां जमीन को टच नहीं हो रही है वो थोड़ी सी नी बेंड कर भी कर सकते हैं। चौथा आसन है अश्व संचालासन। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाए, अब एक्सहेल कर दे। पांचवा आसन है अर्धचंद्रासन। इसके लिए दोनों हाथों को जोड़कर जितना हो सके उतना पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश करें। चंद्र ऊर्जा ईडा नाड़ी के भीतर बहती है। अश्व संचालन में हम जब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाते हैं तब ईडा नाड़ी में चंद्र बल सक्रिय हो जाता है। यही एक आसन सूर्य नमस्कार एंड चंद्र नमस्कार को अलग करता है। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आ जाइए। अगला आसन है दंडासन। इनहेल करते हुए दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ ले जाइए। कमर, गर्दन और हिप को एक रेखा में ही रखना है। कंधों और हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, सामने की तरफ देखना है और अब एक्सहेल करें। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। इनहेल करें एंड दोनों नीज को नीचे रख दे। अब एक्सहेल करें और छाती और हेड को भी नीचे रख दे। एल्बो को जितना हो सके उतना बॉडी के पास रखना है। आठवां आसन है भुजंगासन, जिसमें इनहेल करते हुए हिप को नीचे लाए और छाती और सर को आगे की तरफ ले जाते हुए ऊपर उठे। लेग को एकदम स्ट्रेट रखें और पंजे बाहर की साइड। अगला आसन है पर्वतासन। इनहेल करें और दोनों पंजों को अंदर की साइड लेकर हिप को ऊपर उठाए। हाथों और पैरों को स्ट्रेट रखना है और सिर को जितना हो सके उतना अंदर की तरफ ले जाना है। दसवें आसन में फिर से अश्व संचालासन में आ जाना है। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे लाना है और राइट लेग को पीछे रखना है। अगला आसन है अर्धचंद्रासन, जिसमें फिर से इनहेल करते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ के हाथों को जितना हो सके उतना पीछे की तरफ ले जाए। अब एक्सहेल करते हुए फिर से पादहस्तासन की स्थिति में आ जाना है। अगला आसन है हस्तोत्तानासन, जिसमें इनहेल करें, दोनों हाथों को आगे लाए और हेड को और हाथों को एक साथ ऊपर ले जाए और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ जाए। लास्ट आसन है प्रणामासन। एक्सहेल करते हुए फिर से नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। अब इसी स्टेप को आपसे जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें। जिनको सूर्य नमस्कार के फायदे तो चाहिए पर मॉर्निंग में करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो शाम को चंद्र नमस्कार करके सूर्य नमस्कार जितने ही फायदे ले सकते हैं। चंद्र नमस्कार गुस्सा कम करके मन को शांत करता है, गहरी नींद लाने में भी मदद करता है, कमर का दर्द कम करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल एंड मजबूत बनाता है, श्वसन तंत्र एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अच्छा करता है, शरीर को शांत एंड निरोगी बनाता है एंड सौंदर्य भी प्रदान करता है। जिनको माइग्रेन की तकलीफ है उनके लिए भी चंद्र नमस्कार बहुत अच्छा है और चंद्र नमस्कार को मासिक धर्म में भी कर सकते हैं। जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है उनको चंद्र नमस्कार नहीं करना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडी को भी चंद्र नमस्कार नहीं करना चाहिए। चंद्र नमस्कार दूसरे तरीके से भी होता है, जिसमें अलग स्टेप है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।